हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इट्स माय व्लॉग्स और आपका इट्स माय व्लॉग्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग दोबारा से आपको प्रियोन कार मार्केट की वीडियो दिखाएंगे। आज आपको लो बजट की भी गाड़ियाँ दिखाएंगे और हाई बजट की भी गाड़ियाँ दिखाएंगे। और आप लोग जिस चीज़ की डिमांड करते हैं, बोलेरो स्कॉर्पियो की, तो वो भी आज के व्लॉग में दिखाएंगे। और अल्टो हो गई, सेंट्रो हो गई, ऐसी गाड़ियाँ हैं। एक बार आप लोग गाड़ियों की कंडीशन देख लीजिए। ये सेंट्रो आप लोग को मिल जाएगी और यहाँ पर बोलेरो भी अवेलेबल है और स्कॉर्पियो भी आप लोग को मिल जाएगी, इनोवा और अर्टिगा। ये सारी गाड़ियाँ आप लोग को दिखाएंगे। हम लोग जिस जगह आए हुए हैं वहाँ पे शोरूम का नाम है एवन कार सेल्स, जो कि आप लोग को सृष्टि अपार्टमेंट के पास में पड़ जाएगा, जो कि गुडम्बा के पास में है, कुर्सी रोड पर। आप लोग को यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आप लोग को डिस्प्ले पर नंबर दे दूँगा, आप लोग उस पर कॉल करके पूछ लीजिएगा, आप लोग यहाँ आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ चुके हैं। कैसे हैं भैया? ठीक है भैया, हेलो बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ठीक है भैया, आपका नाम? हमारा नाम आशीष। आशीष, ठीक है भैया। और शोरूम का नाम है एवन कार सेल्स। ठीक है भैया, यहाँ पे आना हो तो भैया कहाँ पे उतरे कि आसानी से आ जाए? यहाँ इधर से बोलते हैं अतरौली मोड़, सृष्टि अपार्टमेंट। सृष्टि अपार्टमेंट, सृष्टि अपार्टमेंट, ठीक है, अतरौली मोड़, कुर्सी रोड। ठीक है भैया, कुर्सी रोड पे अगर उतर के यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप लोग को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज भी कलेक्शन कौन कौन सा अवेलेबल है आपके वहाँ? अर्टिगा, बोलेरो, सेंट्रो, ठीक है, ओके, वरना, ओके, और इसके अलावा इनोवा, अर्टिगा, सारी गाड़ियाँ हैं, सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली गाड़ी आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, तो हमारी आज की जो सबसे पहली गाड़ी है, आप लोग को अल्टो मिल जाएगी, जो कि सिल्वर कलर की है, पूरी ओरिजिनल पेंट पे ये भी गाड़ी होगी। भैया इसका मॉडल क्या है? 2008 मॉडल है। LXi LXi है, ठीक है भैया। चली कितनी हुई है ये? चली हुई है 59,000 किलोमीटर। ठीक है, 59,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। ओनरशिप भी है, क्या है? फर्स्ट ओनर है। ठीक है, एक बार आप लोग इसकी कंडीशन देख लीजिए। ब्लैक कलर का आपको बम्पर मिल जाएगा, लाइट की कंडीशन, और लखनऊ नंबर की ये गाड़ी है। 2009 मॉडल है ना भैया? 2008 मॉडल है। ठीक है, टायर की कंडीशन देख लीजिए, इसमें चारों टायर अभी आपको नए ही मिल जाएंगे। और ऐसा इसका इंटीरियर मिल जाएगा, बैक साइड से सीट की कंडीशन। तो इसकी डिमांड आपको बता देते हैं, इसकी डिमांड क्या रखी गई है भैया? इसकी 1,45,000 डिमांड रखी गई। ठीक है, 1,45,000, जो कि कम हो जाएगा, जो कि कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी नेगोशिएबल प्राइस है। नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी हमारी सेंट्रो आप लोग को मिल जाएगी, जो कि डार्क ग्रे कलर की है। मॉडल भैया? ये 2014 मॉडल है। 2014 का मॉडल है। ठीक है, इसमें दो पावर विंडो आप लोग को मिल जाएंगे, पावर स्टीयरिंग मिल जाएगी, पावर ब्रेक मिल जाएगा, और इसमें सारे फंक्शंस होंगे। भैया LPG या CNG कुछ मिल जाएगा? नहीं, इसमें LPG CNG कुछ नहीं, पेट्रोल है। पेट्रोल है खाली। ठीक है भैया, इसके बम्पर पेंट है? नहीं, बम्पर थोड़ा बहुत हुआ है, टचअप है खाली। हाँ, बस और कोई कहीं नहीं हुआ पेंट। ठीक है भैया, एक बार इसकी कंडीशन आप लोग देख लीजिए, पूरी ऐसी इसकी पूरी कंडीशन है। और टायर भी आप लोग को इसमें अच्छी कंडीशन में ही मिल जाएंगे, लखनऊ नंबर की गाड़ी है। टायर भी देख लीजिए आप लोग को, इसमें चारों टायर नए मिल जाएंगे। और इंटीरियर, न्यू इंटीरियर आप लोग को इसमें मिल जाएगा, ऐसी इसकी सीट की कंडीशन है। LPG CNG इसमें कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट गाड़ी जो हमारी सेंट्रो है, उसमें आप लोग को LPG CNG मिल जाएगी। तो आप लोग पास दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, आप लोग चाहे पेट्रोल गाड़ी लीजिए, चाहे LPG CNG की। तो ये गाड़ी देख लीजिए, 2014 मॉडल की गाड़ी थी। तो इसकी डिमांड आपको बता देते हैं भैया, इसकी डिमांड क्या रखी गई है? इसकी 2,60,000 रुपये डिमांड रखी गई। 2,60,000? हाँ, 2,60,000। ठीक है, 2,60,000 में ये सेंट्रो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट गाड़ी भी हमारी गोल्डन कलर की सेंट्रो है, तो इसकी प्रोफाइल आप लोग देख लीजिए,
भैया इसका मॉडल क्या है? ये 2010 मॉडल है। 2010 मॉडल है, एलपीजी भी है? हाँ एलपीजी। ठीक है भैया, ये कितनी चली हुई है? ये चली हुई है 41,000। 41,000 किलोमीटर। ठीक है भैया, ओनरशिप इसकी क्या आ जाएगी? फर्स्ट ओनरशिप। फर्स्ट ओनर ये भी गाड़ी है? हाँ। ठीक है भैया, एक्सीडेंटल वाला आपके पास कोई काम नहीं है ना भैया? एक्सीडेंटल वाला कोई काम नहीं है मेरे। ठीक है भैया, एक्सीडेंटल वाला कोई काम नहीं है। ये सेंट्रो आप लोग को थर्ड जनरेशन मिल जाएगी, तो इसकी एक बार प्रोफाइल देख लीजिए। ऐसी इसकी पूरी प्रोफाइल है, टायर की कंडीशन देख लीजिए। एलपीजी आप लोग को मिल जाएगी जो कि कंपनी फिटेड ही है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे स्टिकर भी लगा है, एलपीजी मिल जाएगी। और इंटीरियर देख लीजिए, इंटीरियर में इसमें भी आप लोग को दो पावर विंडो मिल जाएगा, पावर स्टेयरिंग, पावर ब्रेक इसमें मिल जाएगा, एसी हीटर जो कि आप लोग को वर्किंग कंडीशन में प्रॉपर मिलेगा। तो अब इसकी डिमांड आपको बता देते हैं कि इसकी डिमांड क्या है। भैया इसकी डिमांड क्या आ जाएगी? इसकी डिमांड है 1,90,000। 1,90,000, ये भी नेगोशिएबल? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी हमारी बोलेरो। बोलेरो की आप लोग काफ़ी डिमांड करते हैं। भैया इसका मॉडल क्या है? ये 20 मॉडल है। 2020 मॉडल है, कमर्शियल है भैया ये? हाँ कमर्शियल गाड़ी। ठीक है भैया, तो ये आप लोग को कमर्शियल नंबर की मिल जाएगी, लेकिन भैया प्राइवेट हो जाएगी ना अगर कोई करवाना चाहे तो? प्राइवेट हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भैया, ये कितनी चली हुई है? ये चली हुई है 39,000। 39,000 एसली है भैया? हाँ एसली है। एसली है ना? ठीक है, इसकी कंडीशन एक बार देख लीजिए आप लोग, लाइट की कंडीशन। गाड़ी तो काफ़ी शानदार ये भी लग रही है, बम्पर शायद पेंट हो, लेकिन नॉन स्टेज गाड़ी ये भी आप लोग को मिलेगी। और टायर की कंडीशन देख लीजिए, और ऐसी इसकी पूरी प्रोफाइल है। इंटीरियर एक बार दिखा देते हैं इसका, एंड एसली वेरिएंट आप लोग को मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, और सीट की कंडीशन देख लीजिए। ऐसी बैक साइड से सीट की कंडीशन है, एक बार इसकी बैक साइड से प्रोफाइल दिखा दे। ऐसी इसकी बैक साइड से प्रोफाइल है। तो पहली बार मैं कमर्शियल बोलेरो कवर कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको प्राइवेट भी करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको कमर्शियल चाहिए तो कमर्शियल भी ले सकता है। इसकी भी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 6,90,000। 6,90,000 मॉडल? मॉडल 2020 का मॉडल है। ठीक है, ये भी काफ़ी ऊँची मॉडल की गाड़ी है। 6,90,000 इसकी डिमांड है, ये भी नेगोशियबल प्राइस है। नेक्स्ट गाड़ी हमारी स्कॉर्पियो है, जो कि काफ़ी डिफरेंट कलर लग रहा है। इसका मॉडल कौन सा है भैया? इसका मॉडल है 2011 का मॉडल है। ये सुल्तानपुर वाले हमारे भाइयों के लिए है। ऐसी इसकी पूरी प्रोफाइल है, एक बार आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देंगे। इंटीरियर भी इसका काफ़ी शानदार है। ये गाड़ी आप लोग को डुअल टोन में मिल जाएगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये डार्क ग्रीन कलर है, और ऊपर की तरफ आप लोग को ये कॉक कलर की मिल जाएगी। इंटीरियर एक बार देख लीजिए, ऐसा इसका इंटीरियर है। लेदर फिनिश सीट इसमें मिल जाएगी, और पावर स्टेयरिंग, पावर ब्रेक, चारों पावर विंडो इसमें मिल जाएंगे आप लोग को। और ऐसी इसकी बैक साइड से सीट की कंडीशन है, एक बार बैक साइड से भी इसकी प्रोफाइल देख लीजिए। ऐसी इसकी बैक साइड से प्रोफाइल है। तो अब इसकी भी डिटेल आप लोग को बता देते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। 2011 का मॉडल है, ये टॉप मॉडल है, इसमें आप लोग को अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। भैया ये कितनी चली हुई है? ये चली हुई है 80,000 चली हुई है। 80,000 के लगभग चली हुई है। हाँ। ओनरशिप इसकी क्या है भैया? फर्स्ट ओनरशिप। फर्स्ट ओनर है। डिमांड हाँ। क्या रखी गई है? डिमांड 4,80,000 रुपये। ठीक है, 4,80,000 है, जो कि नेगोशिएबल है। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी हमारी इनोवा है, तो इनोवा भी आप लोग देख लीजिए। ये इनोवा भैया सेकंड शेप मिल जाएगी ना, इससे पहले वाला शेप एक आता था, उसके बाद सेकंड शेप ये है। हाँ। मॉडल कौन सा है भैया? ये 12 मॉडल है, 2012 का मॉडल है। हाँ, ठीक है, इसके बम्पर पेंट है भैया? हाँ बम्पर हुआ है। ठीक है, बम्पर जिसके पेंट है। हाँ। एक बार इसकी कंडीशन भी आप लोग देख लीजिए भैया। रनिंग क्या है? रनिंग 86,000 किलोमीटर। ठीक है, ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट ओनर है। ठीक है, एक बार इसकी कंडीशन देख लीजिए आप लोग पूरी। ऐसी इसकी साइड प्रोफाइल मिल जाएगी, और टायर की कंडीशन देख लीजिए। बैक साइड से भी आप लोग को दिखा देंगे, जी वेरिएंट मिल जाएगा, जो कि इनोवा का बेस्ट मॉडल होता है, लेकिन फंक्शन इसमें सारे मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी महंगी गाड़ी है। चारों पावर विंडो आप लोग को इसमें मिल जाएंगे, और स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग होगी, और पावर ब्रेक मिल जाएगा। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा आप लोग को, लेकिन म्यूजिक सिस्टम इसमें मिल जाएगा। सीट की कंडीशन देख लीजिए, ये स्प्लिट सीट आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में स्प्लिट सीट आपको मिल जाएगी, और पीछे भी सीट है। तो इसकी डिमांड आपको बता देते हैं कि इसकी डिमांड क्या रखी गई है। भैया इसकी डिमांड क्या आ जाएगी?
इसकी डिमांड 6,25,000 रुपये। 6,25,000 डिमांड है जो कि नेगोशिएबल है। हाँ, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी हमारी अर्टिगा मिल जाएगी। अर्टिगा की भी काफ़ी डिमांड रहती है भैया। इसका मॉडल ये 2013 मॉडल है। 2013 का मॉडल है, सिल्वर कलर की मिल जाएगी भैया। ठीक है, VDI। हाँ, VDI। ठीक है, डीजल वेरिएंट आपको मिल जाएगा। ये रनिंग इसकी क्या है भैया? की रनिंग 88,000 किलोमीटर। ठीक है, 88,000 किलोमीटर चली हुई है। हाँ। ठीक है, माइलेज की बात कर ले तो भैया क्या माइलेज निकालती होगी? यही 20-22 का होगा। 20-22 के लगभग इसका माइलेज होगा। ओनरशिप फर्स्ट ही होगी भैया? नहीं, सेकेंड ओनर। सेकेंड ओनर है भैया। सेकेंड ओनर है, इंजन सही है? इंजन में कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। ठीक है, और एक्सीडेंटल भी नहीं होगी भैया? चेक करवा सकते हैं। हाँ, वो चेक करवा लीजिए आप। ठीक है, पूरा श्योर हो जाए तो ही गाड़ी लेके जाए भैया। हाँ, ठीक है, ओके। ऐसी इसकी पूरी प्रोफाइल है, एक बार देख लीजिए। तो टायर की कंडीशन भी देख लीजिए आप लोग। इसमें अभी आप लोग को 40-60% टायर मिल जाएंगे। साइड मिरर्स पे इंडिकेटर मिल जाएगा, एनिवर्सरी एडिशन है ये। और चारों पावर विंडो इसमें मिल जाएंगे। आउट ऑफ फोल्ड साइड मिरर होगा। ऐसी स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग होगी। और म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। सीट की कंडीशन, मैनुअल ट्रांसमिशन की ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो अब इसकी भी डिमांड आपको बता देते हैं भैया। इसकी डिमांड क्या रखी गई है? इसकी डिमांड 5,50,000 रुपये। 5,50,000। ठीक है भैया, नेक्स्ट गाड़ी हमारी कौन सी है? नेक्स्ट गाड़ी वहाँ अल्टो है। ठीक है भैया, इसका मॉडल कौन सा होगा अल्टो का? इसका 2008 मॉडल है। 2008 मॉडल है। LXi है भैया? हाँ, LXi। ठीक है, इसमें पावर विंडो नहीं मिलेगा भैया? नहीं, इसमें पावर विंडो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई पीस पेंट है? नहीं, कुछ नहीं है, बम्पर पेंट हुआ है बस। बम्पर पेंट हुआ बस। ठीक है भैया, ये कितनी चली हुई है? ये 75,000 चली है। 75,000 किलोमीटर। ओनरशिप? सेकेंड ओनर। सेकेंड ओनर है। ठीक है, सेकेंड ओनर आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन गाड़ी पूरी मेंटेन ये भी होगी। इसकी अगर पूरी प्रोफाइल देख लीजिए आप लोग। ऐसी इसकी आपको पूरी प्रोफाइल मिल जाएगी, जो कि मरून कलर की गाड़ी है ये। टायर की कंडीशन देख लीजिए। चारों टायर आप लोग को इतने ही परसेंट मिल जाएंगे। एक बार इंटीरियर दिखा दें। ऐसा इंटीरियर इसका मिल जाएगा। और इस भैया अल्टो माइलेज क्या निकालती होगी? कोई 18-20 का होगा। 18-20 के लगभग इसका माइलेज होगा ना भैया? हाँ। ठीक है, तो इसकी डिमांड क्या रखी गई है? इसकी डिमांड रखी गई है 1,35,000 रुपये। 1,35,000। ठीक है, 1,35,000 में आपको अल्टो मिल जाएगी। नेक्स्ट गाड़ी हमारी इंडिगो है, जो कि टाटा की गाड़ी है। इसका मॉडल क्या है भैया? ये 2012 मॉडल। 2012 मॉडल है। इसको भैया टैक्सी यूज़ में भी चला सकते हैं, पर्सनली यूज़ में भी चला सकते हैं। टैक्सी में भी चला सकते हैं, पर्सनली भी चला सकते हैं। ठीक है भैया, गाड़ी का इंजन मेंटेन है ना भैया? गाड़ी का इंजन मेंटेन है। ठीक है, एक्सीडेंटल वाला कोई काम नहीं है? नहीं, एक्सीडेंटल वाला कोई काम नहीं होता है। ठीक है भैया, ये टॉप मॉडल है? हाँ, टॉप मॉडल है। ठीक है, टॉप मॉडल। पावर विंडो है। ठीक है, चारों पावर विंडो इसमें मिल जाएंगे। पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक इसमें भी होगी। ऐसी इसकी पूरी कंडीशन है, एक बार कंडीशन आप लोग देख लीजिए। गाड़ी ये भी पूरी मेंटेन है, आप लोग इसको कमर्शियल यूज़ में भी चला सकते हैं और प्राइवेट में भी। टायर भी देख लीजिए आप लोग, चारों टायर इसमें आप लोग को अभी 80-90% मिल जाएंगे। एक बार इंटीरियर दिखा दें। ऐसा इंटीरियर मिल जाएगा। सीट की कंडीशन देख लीजिए। चारों पावर विंडो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पावर विंडो भी मिल जाएगा। एसी हीटर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होगा इसका। इसकी डिमांड क्या है भैया? इसकी डिमांड 1,60,000 रुपये। ठीक है, 1,60,000 इसकी डिमांड। 1,60,000? हाँ, 1,60,000। ठीक है, फंक्शन इसमें सारे टॉप मॉडल वाले मिल जाएंगे? टॉप मॉडल वाले मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि अभी सारी गाड़ियों में आते हैं वही फंक्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट गाड़ी हमारी मारुति 800 है। उस मारुति 800 की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ऊँचे मॉडल की गाड़ी है। वो 2009 मॉडल की है। एक बार आप लोग इसकी कंडीशन देख लीजिए। ये मारुति 800 आपको मिल जाएगी भैया। 2009 मॉडल है ना? हाँ, 2009 मॉडल। ठीक है, इसकी प्रोफाइल देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग इसकी प्रोफाइल देख लीजिए, उसके बाद आपको इसकी डिटेल बताएंगे। काफ़ी मेंटेन देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी है। और बैक साइड से भी इसकी कंडीशन देख लीजिए। एसी इसकी बैक साइड से कंडीशन है। इसमें आप लोग को एसी मिल जाएगी, हीटर मिल जाएगा। एक आती है नॉन एसी, एक आती है एसी। तो ये एसी वाली है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी डिटेल आपको बता देते हैं कि इसकी डिटेल क्या रखी गई है। ठीक है भैया, ये 42,000 किलोमीटर चली हुई है। हाँ, 42,000 चली। ठीक है, अवेलेबल कितने में है भैया? ये 1,10,000 रुपये में है। 1,10,000 रुपये में। 2009 मॉडल। 2009 मॉडल, LPG लगी हुई है। LPG इसमें लगी है? हाँ, 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 डिमांड है। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को ब्लू कलर की ब्रियो मिल जाएगी, जो कि होंडा की है। भैया इसका मॉडल क्या है?
2013 का मॉडल है, ठीक है। इसमें फंक्शन कौन कौन से मिल जाएंगे भैया? चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, पावर स्टेयरिंग, पावर ब्रिंग मिल जाएगा, एसी हीटर सब भैया, एसी हीटर सब मिल जाएगा, ठीक है। चली हुई है ये 55,000 किलोमीटर और ओनरशिप इसकी फर्स्ट है भैया? फर्स्ट ओनरशिप है, ठीक है। डिमांड क्या रखी गई है? डिमांड रखी गई है 260,000। 260,000 रुपये, ठीक है। 260,000 रुपये की आपको ये गाड़ी मिल जाएगी जो कि 2013 मॉडल की गाड़ी है। एक बार इंटीरियर देख लीजिए इसका, ऐसा इसका इंटीरियर मिल जाएगा। बैक साइड से सीट की कंडीशन, ठीक है। तो आप लोग को अब वरना दिखा देते हैं, ब्लैक कलर की वरना भी अवेलेबल है तो वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, तो चलिए वरना दिखा देते हैं, ठीक है भैया। इसकी मॉडल कौन सा है? ये 2014 मॉडल, 2014 मॉडल की है। पेट्रोल है भैया? डीजल, डीजल वेरिएंट की है। 1.6 D, हाँ 1.6 D, ठीक है भैया। रनिंग क्या है इसकी? 80,000 किलोमीटर है, ठीक। जितनी गाड़ी है पूरी ओरिजिनल पेंट पे खड़ी हुई है, क्योंकि माइनर से स्क्रेचेज भी इसके दिख रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसकी पूरी प्रोफाइल एक बार दिखा दें, ऐसे इसकी पूरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी और अलॉय व्हील, इसमें फंक्शन सारे आपको मिल जाएंगे। अलॉय व्हील मिल जाएगा, टायर की कंडीशन देख लीजिए। इंटीरियर, इंटीरियर में आप लोग को इसमें फंक्शन एकदम लग्जीरियस ही मिलते हैं। चारों पावर विंडो, आउट ऑफ फोल्ड साइड मिरर, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। सीट की कंडीशन देख लीजिए। तो हमारी वीडियो क्या है, ये लास्ट गाड़ी थी, तो अब आपको इसकी डिमांड बता देते हैं कि इसकी डिमांड क्या रखी गई है, ठीक है भैया। इसकी डिमांड क्या रखी गई है? इसकी डिमांड 5,75,000 रुपये। 5,75,000, 2014 का मॉडल है, डीजल वेरियंट, हाँ डीजल, ठीक है। तो हमारी वीडियो की सेकंड ओनर है भैया, ठीक है। तो हमारी वीडियो क्या है, ये लास्ट गाड़ी थी, तो वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग को फाइनेंस के बारे में बता देते हैं भैया। आपके वहाँ फाइनेंस अवेलेबल है? हाँ फाइनेंस अवेलेबल, ठीक है भैया। यूपी वालों के लिए या खाली लखनऊ वालों के लिए? नहीं यूपी वालों के लिए, ठीक है। यूपी वालों के लिए पूरा फाइनेंस हो जाएगा, यूपी में चाहे जहाँ से हो, हाँ। अगर उसके लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड लग जाएगा, पैन कार्ड लग जाएगा, बिजली का बिल लग जाएगा, और जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए खतौनी लग जाती है, और जो कि बिजनेसमैन है उनके लिए ITR लग जाता है, और बैंक स्टेटमेंट लग जाएगी, और जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनकी पेस्लिप लग जाती है। अगर भैया NOC की बात करें तो किसी भी ज़िले की NOC निकल जाएगी ना भैया? हाँ निकल जाएगी, ठीक है। NOC आप लोग को किसी भी ज़िले के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड करते हैं, ओके गाइस। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, तो आप लोग को कमेंट के जवाब जरूर मिल जाएंगे। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसमें भी जवाब जरूर दे दूंगा। अगर आप लोग को मुझसे कोई बातचीत करनी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छा अच्छा कलेक्शन लाते रहते हैं, चाहे प्रियोन कार्स का हो, चाहे प्रियोन बाइक का हो, चाहे प्रियोन कमर्शियल व्हीकल का हो। तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।